friends, my name is Zoya and you are watching your Apna Yogi. और आज हम ऐसे ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहते हैं जिन्हें आप डेली फेस करते हो, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी एंड स्ट्रेस. लेकिन उनके बारे में आप मे भी नहीं जानते होंगे कि उसमें काफ़ी सारे सिम्टम्स, ट्रीटमेंट्स और उनके उनके बारे में बहुत सारी डिटेल्स है जो आपको आज मैं शेयर करूँगी. तो हमारे डेली लाइफ में ऐसा कुछ होता है कि लोग आपको कुछ बात बोलते और आप स्ट्रेस में आ जाते हो और उससे निकल नहीं पाते हो. फिर आपको हमेशा सोच पे पड़ जाते हो कि उस चीज़ से बाहर कैसे निकले, और लाइफ बहुत बहुत टफ हो जाती है आपको सर्वाइव करने में. और फिर आप डॉक्टर्स के पास जाते हो एंड आपकी लाइफ कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक हो जाती है. तो आज मैं आपको इस तरह से ऐसे आपको चीज़ें बताऊंगी जिससे आप मे भी आपको हेल्प कर सके वो चीज़, और आप उन सब चीज़ों को दिमाग में रख के उस चीज़ों को दिमाग में रख के आप उसको फॉलो करो और मे भी सब कुछ ठीक हो जाए. सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ADHD. तो यहाँ आप देख सकते हो कि ADHD हमारे डेली लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है. हमारे डेली लाइफ में इस चीज़ को हम डेली सर्वाइव करते हैं. ADHD का फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर. तो ADHD एक ऐसी हम इसे बीमारी नहीं कहेंगे, हम इसे प्रॉब्लम कहेंगे. बिकॉज बीमारी जो होती है वो हम मेंटली नहीं ले सकते. सो इट्स आवर प्रॉब्लम, सो इट कैन क्योर. सो ADHD ऑफन बिगिन इन चाइल्डहुड एंड कैन परसिस्ट इनटू अदरहुड. तो ये हमारा ADHD एक ऐसी चीज़ है जो चाइल्डहुड से स्टार्ट होती है लेकिन वो अडल्टहुड तक भी ख़त्म नहीं होती, वो हमारा ग्रोथ रोक होता है. सो ये ट्रीटमेंट हम ट्रीटमेंट से इसे हेल्प कर सकते हैं लेकिन ये कंडीशन क्योर होना बहुत मुश्किल होता है. इसके काफ़ी सारे सिम्टम्स भी होते हैं, इनके काफ़ी सारे लैकनेस होते हैं, इनके काफ़ी सारे चीज़ें आप सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, लाइफ में टफ हो जाता है. तो आज हम उन चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. तो ADHD ऐसी बीमारी है जो मोर देन 10 मिलियन केसेस हर ईयर इंडिया में आती है. और 10 मिलियन इट्स नॉट द ओनली नंबर, इट्स मोर देन 10 मिलियन, इट्स अ लॉट. सो आज हम सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे. तो सिम्टम्स अगर आपको लगता है कि आपके ये सिम्टम्स इससे मैच करते हैं तो आप काइंडली इनको फॉलो करें, और आपको क्योर भी बताऊंगी मैं जिससे आप उसको भी फॉलो करके ठीक हो सकते हो. सो देयर आर सिम्टम्स, सिम्टम्स भी दो टाइप्स के होंगे. एक कॉग्निटिव सिम्टम्स होंगे, एक मूड सिम्टम्स होंगे, मूड डिसऑर्डर सिम्टम्स होंगे. सो कॉग्निटिव सिम्टम्स में होती है लैक ऑफ कंसंट्रेशन, फॉरगेटफुलनेस, एब्सेंट माइंडेडनेस, शॉर्ट अटेंशन स्पैन. लैक ऑफ कंसंट्रेशन किसी चीज़ में आपके स्टडीज़ में प्रॉब्लम होगी, आपके वर्क में प्रॉब्लम होगा, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम होगी, फैमिलीज में प्रॉब्लम होगा, कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे किसी भी चीज़. फॉरगेटफुलनेस, आपको अगर छोटी सी बात हो जिसमें आप अभी कुछ बात करो और फिर 2 मिनट में आप भूल जाओ तो वो आपके लाइफ के लिए बहुत डिफिकल्ट कर सकता है. एब्सेंट माइंडेडनेस, एब्सेंट माइंडेडनेस इज अ वेरी बैड यू कैन से समथिंग, बिकॉज आप उस जगह में प्रेजेंट होके भी आपका दिमाग काम नहीं करेगा, तो वो आपके काम पे, आपके स्कूल पे, हर जगह आपके आपके साथ जो है उनको भी प्रॉब्लम करता है. एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड शॉर्ट अटेंशन स्पैन. आपका अटेंशन जो होता है वो आप किसी की तरफ, यू नो, यू कैन से इट्स काइंड ऑफ अ कंसंट्रेशन. आप अगर किसी से सामने खड़े होकर बात कर रहे हो तो आप वो बात आपके दिमाग में ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगी. आप उसको 2 मिनट बात करो फिर 2 मिनट में भूल जाते हो. तो दीज आर कॉग्निटिव सिम्टम्स. अब आते हैं हम मूड सिम्टम्स के बारे में, मूड डिसऑर्डर के बारे में. तो एंगर, एंजाइटी, बोर्डम, एक्साइटमेंट, मूड स्विंग्स, दीज आर मूड डिसऑर्डर.
आजकल एवरीवन नोज एंगर, गुस्सा, वो किसी इंसान के लिए भी अच्छा नहीं होता, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, कोई भी। लेकिन एंगर हमेशा हमें गलत डिसीजन में ले जाता है। सो ये एंगर, एंजाइटी आपको डेली परेशान कर सकती है, आपके काम पे आपको ध्यान नहीं दे सकती आप किसी काम पे अगर आपको एंजाइटी हो, बोर्डम, आप कोई भी चीज़ में मज़ा नहीं आएगा, आपको हर चीज़ बोरिंग लगने लगेगी, आप खुद बोरिंग लगने लगोगे, ताकि आपके फ्रेंड्स, आपके मेट्स आपको पसंद नहीं करेंगे। फोर्थ इज एक्साइटमेंट, आपको हर चीज़, कोई भी बात हो उस पर आप इतने हाइपर हो जाओगे कि आपको खुद भी नहीं समझ में आएगा कि आप क्या रिएक्ट कर रहे हो। एंड फाइव इज मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स एक ऐसी चीज़ है जो आपके ऑपोजिट बंदे को इरिटेट कर सकती है। आप अगर अभी बात कर रहे हो किसी से तो आपकी मूड दो मिनट में स्विंग हो जाएगी, और फिर आप उस इंसान से गुस्से में बात करना शुरू कर दोगे तो अगले बंदे को बहुत इरिटेट करता है। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ ADHD। उसके अपार्ट फ्रॉम दैट आपके कुछ इन सब ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, न्यूरोटिक ट्रांसमिटर लेवल्स को भी इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीजिंग इन एपेटाइट, लैक ऑफ स्लीप, इन सब चीज़ों को भी बहुत इफेक्ट करेगा आपकी लाइफ में अगर आपको ADHD के सिम्टम्स आ रहे हैं। ये आपको एज 6-6 साल से 40 ईयर्स, 40 साल की उम्र तक आपको इफेक्ट कर सकते। तो आपको अगर लगता है कि आपको ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप डेफिनेटली इस चैनल को फॉलो करें और आप इसके क्योर्स भी देखें। इसकी क्योर है टॉक थेरेपी। अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, किसी काउंसलर के पास जाते हो, तो वो सबसे पहले आपको डिटेल्स पूछता है और आपके रीजंस पूछता है चाइल्डहुड से लेकर आपकी जितनी एज हो, एडल्टहुड तक, ताकि वो आपको डायग्नोस कर पाए कि आपको एक्चुअली इश्यू क्या है, कहाँ पे, किस पर्टिकुलर एरिया ऑफ लाइफ है। सो उस पर इट वेरी मस्ट, टॉक थेरेपी इज वेरी मस्ट टू ईच एंड एवरी पर्सन। अगर आप किसी काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं भी जाते हो, अगर आप अपनी फैमिली में किसी से आप बात करो या अपने फ्रेंड से बात करो, तो यू हैव टू ओपन अप ऑन दैट। आप तभी आप उस चीज़ के कंक्लूजन में आओगे। विदाउट टॉकिंग आप किसी बात के कंक्लूजन में नहीं आ सकते। सो टॉक थेरेपी नंबर 2। मूवमेंट है, मूवमेंट थेरेपी मीन्स एक्सरसाइज। आप अगर सिंपल वे में सोचो तो इसको कहते हैं एक्सरसाइज। मूवमेंट थेरेपीज में हमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मूवमेंट्स इट्स लाइक you are very much aware about yoga. Yoga से depression बहुत cure होता है। As per my personal experience, yoga मुझे बहुत help करा depression के लिए। So
So you can use some yoga techniques to cure with depressions and ADHD के कुछ symptoms को आप cure कर सकते हो इस चीज से. Third cure is art. आर्ट एंड पेंटिंग थेरेपी. पेंटिंग एवरी वन नोज, पेंटिंग कलर्स सबको रिलैक्स करती है. तो अगर आप अपने एंगरनेस से या लैक ऑफ कंसंट्रेशन से आपको क्योर होना है तो आप पेंटिंग आर्ट ज़रूर फॉलो करें. आपको अगर आप किसी रिहाब सेंटर में जाते हो तो डेफिनेटली आपको इन सब तीनों चीज़ों से क्योर कर वो हेल्प कर सकते हैं आपको इन सब तीनों चीज़ों से क्योर करने के लिए. लेकिन आप अगर खुद से जब तक ना सोचो कुछ करने की तब तक कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता. तो आपको क्या ज़रूरत हो गई खुद को ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास जाने की. आप इस चैनल को देखो, आपको जितनी चीज़ें मैंने बोली है आप खुद से एक बार फॉलो करो. और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक मेरे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो. और इसके आगे फर्दर जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे आप प्लीज़ उसको फॉलो करो एंड शेयर माय चैनल आल्सो. एंड प्लीज़ क्लिक द बेल बटन ताकि आपको आगे की मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाए. थैंक यू.